दोस्तों एमएस धोनी करेंगे लाइफ टाइम सीएसके की कप्तानी, तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 जब शुरू हुआ तो सबसे पहले रविंद्र जडेजा कप्तानी कर रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स की। इस फैसले को सुनने के बाद बड़े बड़े लोग चौंक गए थे क्योंकि एमएस धोनी एक बेहतरीन कप्तान है और उनको कप्तानी से हटा दिया गया था। पर दोस्तों उनको कप्तानी से हटाना ज्यादा दिन तक सही नहीं रहा चेन्नई के लिए, क्योंकि चेन्नई ने फिर वापस उन्हें कप्तान बना दिया। ऐसे में अब यहां पर सेन वॉटसन जो कि पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं चेन्नई के, उन्होंने कुछ ऐसा बोला है जिसने उसमें यह भी बताया है कि लाइफ टाइम कैप्टन रह सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व सलामी बल्लेबाज सेन वॉटसन ने स्वीकार किया है कि एमएस धोनी की जगह रविंद्र जडेजा के कप्तान बनाए जाने पर वह हैरान रह गए थे, क्योंकि उनका मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी की जगह लेना काफी मुश्किल होने वाला था। जडेजा की कप्तानी में सीएसके ने अपने 8 मैचों में से सिर्फ 2 मैच ही जीत हासिल की थी, जिससे 33 वर्षीय के प्रदर्शन पर असर पड़ा। जडेजा ने आखिरकार बड़ा फैसला लेते हुए दोबारा धोनी को कप्तानी सौंपने का फैसला किया, जिससे वह टीम के लिए लगातार प्रदर्शन करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके। द ग्रेट क्रिकेटर पॉडकास्ट पर बोलते हुए सेन वॉटसन ने बताया कि पिछले 1 महीने में जडेजा को जिस चीज के लिए गुजरना पड़ा है उसमें सहानुभूति मिली है। सीएसके के पूर्व ऑलराउंडर सेन वॉटसन ने सीजन में बीच में ही कप्तानी के बदलाव पर अपना विचार साझा किया है। 40 वर्षीय क्रिकेटर ने जडेजा के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। इस पर प्रकाश डालकर कहा है कि धोनी की जगह लेना हमेशा से कठिन काम होगा। वॉटसन ने कहा कि जब मैंने शुरू किया था यहाँ पर सुनना कि चेन्नई की कप्तानी यहाँ पर करने वाले हैं जडेजा, तो मुझे काफी शॉक हुआ था। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि चेन्नई हमेशा एमएस धोनी के ही इर्द गिर्द घूमने वाली है, जो कि काफी ज्यादा लाइमलाइट वाली बात बन गई है। आपके हिसाब से क्या वॉटसन सही बोल रहे हैं, हमें अपनी राय नीचे कॉमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्रिकेट जगत की सभी खबरों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।